नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स भौतिकी चैप्टर वन प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाने वाले हैं और इसका मैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। अगर हो सके तो 25 भी हो सकता है और 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट टू में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दंत इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण टोटल सही होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, और इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हवा में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन ए सही है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये बहुत ही सिंपल है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये तो सबको भी पता होगा कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर आप नीचे सबसे नीचे देखिए कि गोलीय दर्पण में होगा एफ बराबर आर वाई टू, बराबर आर वाई टू। चलिए हम लोग इसको हल्का ऊपर कर देते हैं और आप लोग देख लीजिए इसका आंसर होगा बराबर आर वाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ऑप्शन बी आप लोग टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण हद से ज्यादा उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र शायद सबको पता होगा, 1/V + 1/U = 1, इसका आंसर होगा डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल, इसका आंसर समतल तथा उत्तल, आप लोग इसमें टिक मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रकृति डी यानी कि आभासी तथा बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आप लोग इसमें टिक मार लीजिए। 17 नंबर है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हास्यित होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईट है, ईट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, ईट अपारदर्शी पदार्थ है। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, हमारी आंखें जो देख सकती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दीप या प्रदीप्त, इसका आंसर होगा सी, आप लोग सी पे टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर से। और ये बहुत ही, आप लोग को बता दूं, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल से पूछा गया है और ये आपको व्यर्थ नहीं जाएगा, अगर आप इसको तैयारी करेंगे आपको बहुत नंबर उठने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग में फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, जी हाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, दुगुना। ये मैंने आपको पहले, ये जो पहले एक बार और क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने आपको कहा था। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने
किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण पे आप लोग टिक लगा सकते हैं, इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और अगला 25 और क्वेश्चन हम आपको अगले पार्ट में देंगे। 25वां क्वेश्चन है कि किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है, तो वो दर्पण होगा समतल या उत्तल। जी हाँ, समतल या उत्तल। तो ये पार्ट वन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें हमने आपको पार्ट वन में टोटल 25 क्वेश्चन करवाए और पार्ट टू में टोटल और हम लोग 25 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो हमारा 50 क्वेश्चन एक वीडियो में आ जाएगा। तो चलिए, और जो है जो कि ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे व्यर्थ ना जाने दे, आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट में बोले तो हम इसका PDF भी आपको दे देंगे, तो जिससे कि आप बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी क्वेश्चन समझ में आई होगी, और नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन वीडियो डाल देंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को जितने भी इंफॉर्मेशन हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको जो वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।